इमेजिन करें एक ऐसी जगह बहुत खतरनाक जहाँ बस अंधेरा ही है, यहाँ तक कि लाइट भी उससे बच नहीं सकती। हाँ फ्रेंड्स, हम एक ब्लैक होल की ही बात कर रहे हैं। ये हमारे यूनिवर्स की एक ऐसी चीज़ है जिसने हमारे प्लैनेट के सबसे ब्रिलियंट लोगों का भी दिमाग खराब करके रखा हुआ है। तो मेरा नाम है अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं साइंस फॉर यू। पूरी तरह से अंधेरे से घिरे हुए ब्लैक होल का एक ऐसा पार्ट है जहाँ ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी वहाँ से एस्केप नहीं कर पाती, इसीलिए ब्लैक होल्स को देखना नामुमकिन है। तो हमने उन्हें डिटेक्ट कैसे किया, राइट? ये सवाल आपके माइंड में तो आया ही होगा ना फ्रेंड्स। साइंटिस्ट ब्लैक होल के आसपास के एरिया को स्टडी करते हैं, जैसे कोई स्टार डिजनरेट हो रहा है या कोई स्टार किसी चीज़ को ऑर्बिट कर रहा हो। ब्लैक होल्स हमारे नॉर्मल फिजिक्स के लॉज नहीं मानते, ये स्पेस का ऐसा पार्ट है जो इतना पावरफुल है कि जैसे कोई चीज़ उसके पास जाती है तो वहाँ टाइम स्लो हो जाता है। पर ये डार्क मॉन्स्टर्स कहाँ से आते हैं? आप सब ये जानते होंगे कि किसी भी चीज़ को एग्जिस्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। जब एक स्टार मरता है, मीन्स जब कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन बंद हो जाता है, तब स्टार खुद में ही कोलैप्स हो जाता है ड्यू टू इमेंस अमाउंट ऑफ मास एंड ग्रेविटी, एंड दिस कॉजेस अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन 40,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से होता है। ये स्पीड इतनी ज़्यादा है कि एक सेकेंड में ये अर्थ का एक चक्कर लगा सकती है फ्रेंड्स। और इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद फॉर्म होते हैं ब्लैक होल्स। पर ब्लैक होल्स फॉर्म होने के लिए भी रूल्स हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, रूल्स ने यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ा। ब्लैक होल्स बनने के लिए किसी भी स्टार को एटलीस्ट हमारे सन से मास में 3 times ज़्यादा होना पड़ेगा। मतलब कि किसी भी स्टार को ब्लैक होल बनने के लिए सन से 50 to 100 times बड़ा होना पड़ेगा। और जो ब्लैक होल्स फॉर्म होते हैं इस टाइप के स्टार से, उन्हें हम कहते हैं स्टेलर मास ब्लैक होल्स। ये धीरे धीरे अपना साइज बढ़ाते हैं, ये आपके आसपास की चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था फ्रेंड्स, पिक्चर तो अभी बाकी है। क्योंकि ये तो स्टेलर मास ब्लैक होल्स तो बहुत ही नॉर्मल साइज के ब्लैक होल्स होते हैं, लेकिन स्टेलर या कहें तो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, ये ब्लैक होल्स हमारे सन से भी ज़्यादा बड़े होते हैं। और हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता ही है, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। लेकिन फ्रेंड्स, ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स फॉर्म कैसे होते हैं, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है साइंटिस्ट के लिए। लेकिन साइंटिस्ट के इसके ऊपर कुछ प्रेडिक्शंस है, जिनमें से कुछ प्रेडिक्शंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट प्रेडिक्शन ये है कि बहुत सारे स्टेलर मास ब्लैक होल्स एक दूसरे को कंज्यूम करके एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बनाते हैं। सेकंड ये है कि शायद जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स बनते हैं वो बहुत ही बड़े स्टार्स के कोलैप्स होने की वजह से बनते हैं, लेकिन हमें यूनिवर्स में अभी तक उतने बड़े साइज के स्टार्स देखे नहीं गए, इसके लिए इस थ्योरी को मानना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि शायद इतने बड़े स्टार्स एग्जिस्ट करते होंगे। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि जो डस्ट क्लाउड्स होते हैं यूनिवर्स में, वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करके उनके बीच में कोलिजन होके, कोलैप्स होके एक सुपरमैसिव ब्लैक होल बनता होगा। हर ब्लैक होल के पास एक ऐसा पॉइंट होता है कि उस पॉइंट के पास अगर कोई पहुंच गया तो उसके बाद वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि उस पॉइंट को कहते हैं इवेंट होराइजन। लेकिन हम वापस क्यों नहीं आ सकते, ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आया होगा ना फ्रेंड्स। क्योंकि हमें वापस आने के लिए लाइट से भी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है, इसलिए हम इवेंट होराइजन से वापस नहीं आ सकते। और ब्लैक होल के सेंटर में जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं सिंगुलैरिटी ऑफ ब्लैक होल्स। लेकिन फ्रेंड्स, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सन इतना बड़ा नहीं है कि वो एक ब्लैक होल बन सके। लेकिन फ्रेंड्स, इमेजिन कीजिए कि ब्लैक होल की दूसरी तरफ क्या होगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। तब तक बाय बाय।